हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता और आज फिर से लेके आ गई हूं आप लोग के लिए न्यू रेसिपी। और आज की हमारी रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हमारा हो गया है 1K। और 1K कंप्लीटेड होने पे आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए चॉकलेट पैनकेक की रेसिपी, और वो भी बनाएंगे बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से, ताकि आप भी झटपट बिना ओवन और बिना कढ़ाई के आप पैन में केक बना लें। आज से ठीक 10 महीने पहले मैंने अपने इस चैनल का स्टार्टिंग किया था और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा मेरे चैनल पे, और बहुत लोगों का सपोर्ट और बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला, इसलिए पूरे 10 महीने बाद आज मेरा 1K कंप्लीट हो गए हैं सब्सक्राइबर। तो इसी खुशी में आज हम चॉकलेट केक बनाए हैं, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए छोटा सा छोटा रेसिपी का वीडियो लेके आऊं, ताकि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी फ्रेंडों के पास मेरी ये वाली रेसिपी पहुँच सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपना चॉकलेट केक बनाना, और फिर केक को हम कट करके 1K कंप्लीटेड सेलिब्रेशन करेंगे। तो हम केक पहले बना लेते हैं। इस केक को बनाने के लिए हम ले लेंगे एक बड़ा बाउल बैटर बनाने के लिए, और एक बड़ा छन्नी ले लेंगे जिससे हम मैदे और कोको पाउडर को चीनी को छानेंगे। और फिर इस बाउल में हम ले लेंगे एक कटोरी रूम टेम्परेचर पे दूध, और फिर उसी कटोरी से हम एक चौथाई कटोरी हम ले लेंगे बटर या फिर रिफाइंड, तो हमने रिफाइंड डाल लिया है। और फिर 2 चम्मच हम वाइट वेनेगर ले लेंगे, और फिर अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे। वेनेगर से हमारा दूध जो है वो फट जाएगा, इसलिए हमें दही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप वेनेगर दूध की जगह आप दही भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इनको विस्कर की सहायता से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसके ऊपर रख लेंगे बड़ा छन्नी। और फिर हम उसी कटोरी से एक कटोरी मैदा ले लेंगे, और मैदे को हम छन्नी से छान लेंगे धीरे धीरे। और फिर हम आधी कटोरी और मैदा ले लेंगे, और उनको भी हम अच्छे से छान लेंगे, यानी कि कुल मिला के हम 1.5 कटोरी मैदा ले लिए हैं। केक बनाने के लिए मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है, नहीं तो हमारा केक का जो बैटर है वो सही नहीं बनेगा, तो हमारा केक भी सही नहीं बनेगा। तो इसलिए खास कर मेजरमेंट पे ध्यान दें। 1.5 कप हमने मैदा लिया है, तो उसी कटोरी से हमने 1 कप चीनी लिया है, और 1 कप हमने दूध लिया था। तो अच्छे से इन सब चीज़ का ध्यान रखें, तभी आपका केक बैटर अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, हमने मैदे को अच्छे से छान लिया है, और अब इसी छन्नी में हम 1 कटोरी पीसी हुई चीनी को डाल के छान लेंगे, और जो एक्स्ट्रा चीनी खड़ा वाला चीनी है उनको हम निकाल के रख देंगे साइड। इसीलिए हर चीज़ छान के लें, ताकि हमारा बैटर है वो स्मूथ और बिना लम्स वाले बने। तो चलिए, मैदा चीनी को हम अच्छे से विस्कर की सहायता से मिक्स कर लेते हैं, और ये देखिए हम जल्दी जल्दी हाथ चला के इनको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और हमने अभी इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। और ये हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये हमारा बैटर है वो थोड़ा सा अभी थिक है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। तो हम उसी कटोरी से आधी कटोरी रूम टेम्परेचर पर हम और दूध ले लेंगे। तो ये देखिए, हमने आधी कटोरी दूध इस बैटर में हमने डाल दिया है, और अच्छे से अब विस्कर की सहायता से इनको हम फिर से मिला लेंगे, यानी कि अच्छे से फेंट लेंगे हम। केक को बैटर को हमेशा एक दिशा में फेंटनी चाहिए, इससे हमारा केक जो है एकदम से स्पंजी और फ्लफी बनेगा। और ये देखिए, हम केक को बैटर को एक ही साइड से कंटिन्यू फेंट रहे हैं। हम अगर दूसरे साइड से फेंट देंगे तो हमारा बैटर है वो जो बैठ जाएगा, और हमारा जो केक बनेगा वो स्पंजी और फ्लफी नहीं बनेगा। तो ये देखिए, हमने केक के बैटर को कम से कम 10 मिनट एक ही दिशा में फेंटा है, और ये हमारा केक का बैटर है वो एकदम से स्मूथ और बिना लम्स वाले तैयार हो गए हैं। तो अब इस केक के बैटर में हम डालेंगे केक का फ्लेवर। तो केक हम बनाने वाले हैं चॉकलेट फ्लेवर, तो हम उसी कटोरी से आधी कटोरी कोको पाउडर डाल देंगे, और इस कोको पाउडर से हमारा केक जो बनेगा वो चॉकलेटी फ्लेवर बनेगा। तो अब हमने कोको पाउडर को भी छन्नी से छान लिया है, ताकि हमारे केक में बिल्कुल लम्स ना रहे। और फिर अब हम डाल देंगे 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर, और फिर हम 1 छोटा चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर, और फिर आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे बेकिंग सोडा पाउडर।
और फिर केक को इनहेंस और फ्लेवर देने के लिए हम डाल देंगे इसमें 2 बूंद वेनिला फूड एसेंस। इससे हमारे केक में मार्केट वाली खुशबू और मार्केट वाली केक की टेस्ट आ जाएगी इस वेनिला फूड एसेंस से। और हमने वेनिला कस्टर्ड पाउडर भी 2 चम्मच डाला है। इससे हमारी एकदम से परफेक्ट चॉकलेट केक बनकर तैयार होगा। और फिर अच्छे से विस्कर की सहायता से इनको हम फिर से उसी दिशा में फेंट लेंगे। और इसमें हमें 1 बूंद एक्स्ट्रा और कोई पानी दूध नहीं डालना है, नहीं तो हमारा बैटर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए हमने एकदम अच्छे से इनको फेंट के अच्छा सा एक चॉकलेट बैटर तैयार कर लिया है। और हमारा एकदम परफेक्ट बैटर तैयार हुआ है चॉकलेट केक बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को आप लास्ट के 5 मिनट पहले डालें, तभी जाके आपका केक बैटर है वो एकदम से फ्लफी और अच्छा बनेगा। जब हमें केक बनानी हो उसके 5 मिनट पहले आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को डाल के बैटर में मिक्स कर लें और फटाफट पैन में डाल के इनको बेक कर लें। तो ये देखिए हमारा बैटर है वो एकदम से फ्लफी और एकदम हल्का हो चुका है। तो चलिए इस फटाफट बैटर को हम बेक कर लेते हैं, यानी कि केक बना लेते हैं। तो हमें बनाना है पैन केक, तो हमने ले लिया है एक पैन और पैन के अंदर हम थोड़े से तेल डाल के ब्रश से अच्छे से पैन को कोट कर लेंगे। हमें तेल ज़्यादा मात्रा में नहीं डालनी है, बस हल्की हल्की तेल को हमें अच्छे से पैन में कोट कर लेना है। और फिर 1 चम्मच हम सूखा मैदा पैन में डाल के अच्छे से बिना टच किए हम पैन को अंदर से मैदे से कोट कर लेंगे। और फिर एक्स्ट्रा मैदा को हम झाड़ के निकाल लेंगे। और फिर इस पैन में हम जो चॉकलेट केक बैटर तैयार करके रखे हैं सारा का सारा बैटर हम पैन में फटाफट डाल देंगे। और फिर पैन को हम 2 से 3 बार टैप कर लेंगे ताकि हमारे केक में जरा से भी बबल्स या फिर एयर पास हुआ होगा वो निकल जाएगा, उससे हमारा केक जो है एकदम से स्मूथ और स्पंजी बनेगा। तो ये देखिए हमने 2 से 3 बार इनको टैप कर लिया है और अब ये पैन केक हमारा बनने के लिए रेडी है। तो हम पैन को ढकने के लिए एक ऐसा ढक्कन लेंगे जो कि पैन के 1/2 इंच ऊपर तक उठा हो। तो ये देखिए हमने एक टिफिन का ढक्कन ले लिया है और टिफिन के ढक्कन को हम सीधे रखेंगे पैन पे और पैन को अच्छे से कवर करना है। पैन में जरा सा भी एयर पास ना हो ऐसे हमें बर्तन लेना है और पैन को कवर करना है। और एकदम से फ्लैट बर्तन भी नहीं लेना है पैन को कवर करने के लिए, नहीं तो केक हमारा जो पकेगा तो वो ऊपर थोड़ा सा उठेगा तो हमारा केक बर्तन में जाके चिपक जाएगा। इसलिए बर्तन थोड़ा सा 1/2 इंच 1 इंच ऊपर तक उठा हुआ हमें पैन को ढकने के लिए लेना है। और फिर गैस पे हम एक रख देंगे रोटी बनाने वाला तवा। तवा पर हम इस पैन को धीरे से रख के 15 से 20 मिनट बेक कर लेंगे। और 15 मिनट बाद हमारा ये देखिए केक अच्छे से पककर रेडी हो गया है। तो चलिए इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और दूसरे साइड हम ले लेंगे एक बाउल और बाउल में हम थोड़ा सा बटर का टुकड़ा ले लेंगे और 2 से 3 चम्मच हम चीनी पिसी हुई ले लेंगे और अच्छे से विस्कर की सहायता से इनको हम फेंट लेंगे। और ये देखिए लिक्विड फॉर्म में हो गया है बैटर और चीनी। और अब हम इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच कोको पाउडर और 1 चम्मच हम डाल लेंगे मिल्क पाउडर और अच्छे से इनको हम फेंट के मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए जी हमारी ये हो गई चॉकलेट लिक्विड तैयार, यानी कि घर पे ही हम बिना चॉकलेट का लिक्विड तैयार कर लिए वो भी चॉकलेट फ्लेवर की। और इस चॉकलेट लिक्विड को हम डालेंगे अपने केक के ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। तो चलिए हमारी ये चॉकलेट लिक्विड तैयार हो गया है, अब इसको रखते हैं हम साइड। और अब ले लेंगे एक छोटी सी और बॉल और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर और फिर हम 2 चम्मच गुनगुना लिक्विड दूध डाल देंगे और बिस्कुट की सहायता से अच्छे से इनको हम फेंट लेंगे। तो हमारा मिल्क पाउडर थोड़ी क्वांटिटी में है तो हम चम्मच की सहायता से अच्छे से इनको हम मिक्स कर रहे हैं। और ये देखिए हमारी व्हाइट चॉकलेट लिक्विड तैयार हो गई है। तो हमने एक चॉकलेट लिक्विड तैयार की है और एक व्हाइट मिल्क पेस्ट तैयार की है और इन्हीं 2 पेस्ट से हम आज केक को डेकोरेट करेंगे और खूबसूरत बनाएंगे। तो चलिए इन दोनों पेस्टों को हम रखते हैं साइड और हमने जो पैन केक बेक करके रखा है उस पैन केक को हम पैन से निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। तो ये देखिए हमने पैन केक को ले लिया है और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा केक बेक हो चुका है और ढक्कन में हमारा चिपका भी नहीं है। ऐसे ही आपको ढक्कन लगा के पैन केक में केक बनाना है। और तो चलिए अब चाकू से हम पैन में थोड़ा थोड़ा पुश कर लेते हैं केक को ताकि हमारा अच्छे से केक एकदम से खड़ा निकले। और एक दूसरे प्लेट में हम
पैनकेक को पलट लेंगे। और ये देखिए कितना इजीली, कितने आराम से हमारा केक जो है वो पैन से निकल गया है और कितना अच्छे से हमारा केक बेक हुआ है। और फिर एक चाकू की सहायता से केक के पिछले हिस्से में जो हमने एक्स्ट्रा मैदा लगाया था पैन में, उस मैदे को हम केक से थोड़ा थोड़ा कट करके निकाल लेंगे। और फिर केक के टॉप का पोर्शन का भी थोड़ा सा हम कट करके निकाल लेंगे ताकि हमारा केक जो है वो एकदम से फ्लैट हो जाए, क्योंकि हमें केक एकदम से फ्लैट चाहिए। तो हम एक चाकू की सहायता से केक के ऊपरी हिस्से को थोड़ा थोड़ा सा हम कट करके निकाल दिए हैं और इस केक को हम खाएंगे, फेंकेंगे नहीं। और अब हम ले लेंगे एक दूसरी प्लेट और फिर हम जो फ्लैट केक काट के निकाले हैं उस केक को रख लेंगे प्लेट में और फिर हम अब केक को डेकोरेट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा केक एकदम से स्पंजी दिख रहा है ना। और इस केक के ऊपर हम डाल लेंगे जो हमने चॉकलेट लिक्विड तैयार करके रखी है, सारी की सारी चॉकलेट लिक्विड हम केक के ऊपरी हिस्से पर डाल देंगे और एक चाकू की सहायता से अच्छे से केक के ऊपरी हिस्से और साइड साइड हिस्से को हम चॉकलेट से कोट कर लेंगे। और ये देखिए हमने अच्छे से कोट कर लिया है, भले ही हमारा प्लेट गंदा हो गया हो, इसलिए हमने ले लिया है दूसरा प्लेट। और इस केक को हम रख देंगे फ्रिज में कम से कम 10 मिनट के लिए। और फाइनली हम 10 मिनट बाद केक को डेकोरेट कर लेते हैं। तो हमने डेकोरेट करने के लिए एक ज्वेलरी का हमने पैकेट ले लिया है, ये देखिए येलो कलर का। और इस पैकेट के अंदर हम डाल देंगे वाइट मिल्क पाउडर वाला पेस्ट, तो सारा पेस्ट हम इस पन्नी के अंदर डाल देंगे और फिर पैकेट को अच्छे से हम बंद कर देंगे ताकि हमारा पेस्ट ऊपर से ना निकले। और फिर एक कॉर्नर पॉइंट पकड़ के हम छोटा सा कट लगा लेंगे और फिर उसी कट से हम डेकोरेट कर लेंगे, यानी कि हमें कोन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारी ऑटोमेटिक कोन बन चुकी है और फिर हमारा सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। तो हम इस पर लिख देंगे मनचाहा वर्ड्स, तो हम लिख रहे हैं इस पर 1.k, यानी कि हमारा 1k कंप्लीट हो गया है। तो इस केक को बनाए हैं हम इसीलिए, तो हमने इस पे लिख दिया है 1.k। और ये लीजिए जी, फाइनली हमारी होममेड चॉकलेटी केक बनकर रेडी हो गई है और वो भी 1k सेलिब्रेशन पे। तो चलिए कौन कौन खाएगा और कौन कौन देख रहा है हमें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन कौन से स्टेट से कहाँ कहाँ से देख रहे हैं हमें, मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती है और आपको कौन से रेसिपीज न्यू देखनी है। अगर आपको मेरे साथ कोई न्यू रेसिपी शेयर करनी है तो प्लीज़ शेयर भी करें। और फाइनली हम इस केक को कट करके आपको दिखाते हैं और ये देखिए कितना स्मूथ और कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट हमारा चॉकलेट केक बनकर रेडी हुआ है। मेरे चैनल और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।